सब पुरुष सब पुरुष के मालिक परमाणु के मालिक अकाल पुरुष वाहेगुरु हरा महादेव कलाशपति डमरू वाले मंगिया वाले सुनिया वाले बाबा जी बारम बार नमस्कार छोटी बार नमस्कार हजारों बार नमस्कार त्वाहे मान त्वाहे मान त्वाहे मान शरणागत आद सत जगाद सत तैरी सत ओग भी सत नमस्कार 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 सारे सार संकीर्ण गल तो पूछना की है दसना की है तो सारे ने पता है कि एक ना एक दिन असं जाना है तो भी पता तो जिनी भी उस भगवान की रचना है उसके लिए साडा शरीर पहले नंबर पर है ये देश मतलब कोई रचना भगवान ने होर नहीं की हो जी नहीं तो देख लो झांसे मार के पूरी रचना के तरह के शरीर है उन्होंने गिनती 84 लाख है एक कद लो सा शरीर में बाकी सारे का नजारा थोड़े सामने और यह नजना दलना एक शरीर छड़ना दूजा प्राप्त करना दूजा छड़ना तीजा तीजा छड़ना चौथा इदा इस चक्कर से जीव वो कर्मानुसार घूमता रहा यह दृश्य थोड़े सामने पर संत लोग यह कहते हैं भाई लोग मालिक का शरीर तैनू मिलिया है भजन के काबल है भजन कर सकता है तू मालिक का भजन कर मालिक का सिमरन कर ताकि जो तेरा ना ये मरण जन्म का चक्कर है छुट जाए जे तू मरण जन्म के चक्कर से छुटना तो एक ही तरीका है कि भगवान का नाम लै जिस तरह तेरे को लिया जा सकता है चलना लै फिरदा लै बैठ के लै अंदर लै बाहर लै मंदिर च लै गुरुद्वारे च लै जिथे भी तेतो लै होंदा उत्थे लै इस मालिक का नाम है यही तेरी मुक्ति का तरीका है यही तेरे इस संसार तो चक्कर तो छुट्टण का तरीका है इहदे नाल ही तेरा जिहड़ा मरण जन्म है इहनू छुट्टना है रब दे चक्कर तो छुट्टना है और सदा दे वास्ते इस प्रभु दे चरणों च चले जाना है और यह सानू पता है तो एक ना एक दिन जाना है ये शरीर सदा नहीं रहना और असं जिन्हे ख्यालों में हाँ दुनियादारी हुए स्वादों के बिच हाँ शराबा गुलाबा के बिच हाँ कई लोग सोचते हैं तो बेहिया लोगों का या महात्मा लोगों का ही काम है मैंने कोई काम नहीं मालिक के प्यारे जीरो सोच है यह तेरा ही काम है जो तू मुक्ति चाहना मोक्ष चाहना मरण जन्म के चक्कर तो छुट जाना सदा के वास्ते प्रभु के चरण से जाना चाहना है और होर कोई तरीका नहीं परमात्मा का नाम मालिक का नाम भगवान का नाम और उदे सत्संग का शरण का यही तेरी मुक्ति का जरिया है यही तेरे मरण जन्म के चक्कर तो छुटन का जरिया है और इस संसार से सदा के वास्ते जरा आधा गमन है एक बारी मरना पैदा होना एक बारी मरना फिर पैदा होना इस चक्कर तो छुट्टी तो रहना जाना जोड़ा है तो भजन का ही काम नहीं इस संसार के चक्कर तो बाहर कट के मालिक के चरण से ले जाना है उन्हें तेन काम करना चाहिए है उस काम के नाल ही उसके जरिए ही तू इस गवन के चक्कर तो छुट सकता है होर कोई तरीका नहीं होर कोई तरीका नहीं दुनियादारी के जिन्हें भी काम ने दुनियादारी के चक्कर में एक शरीर छड़ता है दूसरा प्राप्त करता है मगर वह शरीर दुनियादारी के हम जिन्हों की गिनती 84 लाख है भाई जो उन्होंने एक उन्होंने तेरी मर्जी तेरी मौत अपनी मर्जी का मालिक है मर्जी का शांत है जो तेन चंगा लगता है क्या पर सच उसे जो तू छुटना इस चक्कर से जे तू ये चाहना तो जो आवागमन मिट जाए मुट जाए तो फिर परमात्मा मैं कहता कि तू हिंदू बन मुसलमान बन सिख बन असल नहीं दुनियादारी का ही काम है मालिक सारे नहीं आलम का एक ही मालिक है एको ही परमेश्वर है एक ही भगवान है जिन्हों कोई राम कहता कोई कृष्ण कहता कोई वाहेगुरु कहता कोई मुहम्मद कहता कोई अपने अपने तरीके के नाल होर कई ढंग मानते हैं तो उन्होंने कोई फर्क नहीं पैदा तू जिदा मर्जी मन मन सही
और वो नाली तेरा कल्याण हो गया, आज जो कर लिया कर कर ले, इस जन्म से कर ले, अगले दादा पता नहीं अगला बेटा कहड़ा जन्म शरीर छड़न के बाद पता नहीं कहड़ा जन्म मिलना कहड़ा शरीर मिलना इस नहीं जानता, वो मालिक ही जानता। अब मौका है इस मौके का फायदा उठाना। एक गल होर कह दिना कि अगर मालिक का नियम लेंदे ही उधार ना हो गया कल्याण ना हो गए तो यह शरीर दोबारा जरूर मिलेगा जो एक होना है तो है तो इस पर थोड़ा बहुत जरा कम अगले शरीर से निपटा लूंगा तो जो इस नहीं होया तो फिर देख लासी का जोड़ा गेड़ा है तेरे सामने वे कोई भी गल छुपी होनी नहीं है, कोई भी ऐसी गल नहीं है जोड़ी इदा ही जा पड़ने मालक भी प्यारे इसे करके समझाने और मतलब एक ठोक जाके कहते हैं कि भाई सजना अज के बिल में फिर नहीं आना, यह जरा बिल है बार बार तू चाहे तो नहीं मिलना, इस वे मिलेगा तो भगवान के चरणों से लग, उस परमेश्वर के चरणों से लग, उस मालिक के चरणों से लग, उसका ध्यान कर, उसका ख्याल कर, उन्हें याद कर ताकि तेरा आवा गगन मिट जाए, तेरा भला हो जाए, कल्याण हो जाए। जीव हैं उन्होंने तेनों आना पे उन्हें तेना शरीर धारण कर, जो एक बार उतर गया दूजा शरीर मिल गया इसमें छड़ के अपना काम नहीं कर सकता तो पता नहीं कदू पता नहीं कई सुन भी नहीं सकते हैं कि तेने दोबारा इस शरीर से मौका मिले या ना मिले। तो इस करके इस जीव को मालिक का भजन मालिक का सिमरन मालिक का श्रवण जरूर करना चाहिए, तेरा कल्याण होना है, इन्हों तेरा बेड़ा पार होना है, परमात्मा के घर परमात्मा की भगती के नाल ही जावेगा, चलो नहीं जावेगा इतना नहीं जा सकता। जे तू कह तो मैं तेरिया दर के कमे चली जा रहा हूं तीन पुत्र होर जे कौम मधुम जाता पातों के झगड़े में उन्होंने तेरा काम जाने। मैं यही गल कह के बाणी विराम दिना, नमस्कार।